यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नालागढ़ शहर के वार्ड नंबर 1 की एक कॉलोनी में ग्रीनलैंड डेवलपर को बेचने का मामला शिमला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस जमीन कॉमर्शियल और रिहायशी भवन बनाए गए हैं, तो करोड़ों रुपयों की इस जमीन फर्जीवाड़े को लेकर के नालागढ़ के दो लोगों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसको हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने इस मामले में संबंधित विभागों से जवाब तलब किया है। इस मामले को लेकर के पहले काफी शिकायतें भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद कईयों पर गाज गिरने की उम्मीद जताई जा रही है। फर्जीवाड़े में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले नालागढ़ निवासी गुरमीत सिंह और सतेंद्र कुमार अवस्थी ने बताया कि नालागढ़ के वार्ड नंबर 1 में 1990 में टीसीपी विभाग से रिहायशी कॉलोनी स्वीकृति हुई थी, जिसमें सीवरेज, सेप्टिक टैंक व ग्रीन पार्क आदि के लिए जो करीब 2900 वर्ग मीटर जगह आरक्षित की गई थी, उस जमीन को गलत ढंग से 14 लोगों को बेच दिया गया था, जबकि यह जमीन सरकार को मिलनी थी। मूलभूत सुविधाओं के लिए छोड़ी गई ये जमीन पहले तो गलत ढंग से बेच दी गई और फिर संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने कायदे कानूनों को दरकिनार करके भवन बनाने के नक्शे पास कर दिए।